पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जावाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी की ये बुलंद आवाज पाकिस्तान में बैठे आतंकवाद के आकाओं तक जरूर पहुंची होगी। कारगिल से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे दिया है। पीएम मोदी के इस बयान से माना जा रहा है कि सेना की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को उनका साथ मिला हुआ है। दरअसल बीते कुछ महीनों में घाटी में कई बड़े आतंकवादी हमले हुए, इनमें बड़ी संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ी है। यहाँ तक कि इन हमलों में कई सुरक्षा बल भी शहीद हो गए हैं। घाटी में आतंकियों की सक्रियता ने टेंशन बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू में बीते 3 साल में 42 जवान शहीद हो गए हैं। बीते 7 महीने में ही अलग अलग आतंकवादी हमलों में 13 जवान शहीद हुए हैं। इन आतंकी हमलों की वजह से पूरे देश में गुस्सा है, लोग बदले की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सेना ने आतंकियों के सफाए के लिए घाटी में ऑपरेशन सर्प विनाश 2.0 शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि देश में घुसपैठ कर चुके सभी आतंकियों को इस ऑपरेशन के जरिए मार गिराया जाएगा। और अब पीएम मोदी के बयान से भी साफ हो गया है कि इन आतंकियों की खैर नहीं है। माना तो ये भी जा रहा है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़े ऑपरेशन की तरफ भी इशारा किया है। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं इन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार
अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया और कहा कि धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।